हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एहसन और मैं एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अलंकार प्रॉपर्टी में। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं लखनऊ की बेस्ट प्रॉपर्टी की जानकारी तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए अलंकार प्रॉपर्टी चैनल को, ताकि आपको बेस्ट प्रॉपर्टी की जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे। अब हम बात करते हैं आज की वीडियो की। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, हम आपको एक हाउस विजिट करवाने के लिए हैं जानकीपुरम स्टेक्शन में। तो इस हाउस के ऑनर हमारे साथ हैं तुषार भाई। तुषार भाई से हम इस घर के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। सबसे पहले आप लोकेशन बता दीजिए कि यहाँ पे कोई आए क्लाइंट तो कैसे आए, उसके अगल बगल में क्या फैसिलिटी है। हेलो सर, मैं तुषार राय बोल रहा हूँ। ये आप जो है AKTU, अगर आपने देखा हो, भवानी मार्केट चौराहे से होके दिल्ली पब्लिक स्कूल से टर्न करते हुए AKTU मतलब अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी जो है उसका बैक साइड का पोर्शन है। ये आप सामने इधर देख सकते हैं रोड है, रोड जस्ट आपके जो है डामर रोड जस्ट आपके 100 मीटर की डिस्टेंस पे है। और बाकी जो है क्या कहते हैं लोकेलिटी वाइज देख सकते हैं आप, यहाँ पे मकान जितने भी बने हैं सब अच्छे अच्छे और काफ़ी बड़े बड़े मकान बने हुए हैं। आप उधर भी दिखा दीजिए इस तरफ, और इसके बाद राइट साइड में जो है, अगर हम राइट साइड जाते हैं तो AKTU चले जाते हैं, और इधर लेफ्ट साइड अगर हम जाते हैं तो लेफ्ट साइड में आप नहर रोड पर पहुँच जाते हैं, जो कि 80 फुट नक्शे पे पास है। अभी फ़िलहाल तो 40 फुट की ही है, लेकिन बट नक्शे पे 80 फुट भविष्य की रोड पास है, जो कि कुर्सी रोड की तरफ भी जाती है और सीतापुर रोड को भी कनेक्ट करती है। तो आइए बाकी हम आगे जो है चलते हैं। तो दोस्तों, आपको लोकेशन की पता चल गई है, अब हम आपको चल के दिखा देते हैं घर। तो दोस्तों, ये जो आपको रोड मिली, ये रोड मिल रही है आपको 25 फिट की, और घर के सामने की जो फ्रंट रोड आपको मिलेगी वो मिलेगी आपको 20 फिट की। तो रेडी टू मूव हाव है दोस्तों ये, अगर आपको चाहिए तो तुरंत लेके आप तुरंत शिफ्ट हो सकते हैं। 750 स्क्वायर फीट में ये बना हुआ है। लंबाई चौड़ाई की अगर हम बात करें तो लंबाई चौड़ाई कितनी है? जो इसका फ्रंट है वो 18.5 है, और जो गहरान है वो 38.5 है। तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लगभग ये 700 कुछ स्क्वायर फीट है। तो दोस्तों, 2 BHK मकान बना हुआ है। एक बार मकान का फ्रंट दिखा दीजिए यहीं से कैमरा घुमा के। तो दोस्तों, दो मकान ये है अगल बगल में बन रहे हैं, दोनों 750 स्क्वायर फीट में हैं। तो अब हम चलते हैं घर, आपको ये पूरा घर एक बार चल के अंदर से दिखा देते हैं। तो दोस्तों, आप लोग देख लीजिए, हम लोग घर के सामने आ चुके हैं आपको विजिट कराने के लिए। पूरा घर का फ्रंट एक बार देख लीजिए, कितना ही खूबसूरत इसका फ्रंट दिखाई दे रहा है। अगल बगल की लोकेशन एक बार दिखा दीजिए हमारे व्यूवर्स को, सही से समझ जाएँ कि किस लोकेशन पर वो उनको मकान मिलने जा रहा है। जी, जो मकान है काफ़ी पहले पड़ जाता है। ये बैक साइड में आप रो हाउसेस देख रहे हैं, और हाँ, ये पीछे जो है रो हाउसेस बने हुए हैं। ये भी एक कॉलोनी है पूरी टोटल। और जो है बाकी जो है, ये आप जिस ये जो मकान के सामने आप खड़े हैं, ये जो डामर रोड है उससे मैक्सिमम 100 मीटर मैक्सिमम। आइए अंदर चलते हैं, आइए अब आपको पूरा घर अंदर से विजिट करा देते हैं। यह है दोस्तों इसका पोर्च एरिया। पोर्च एरिया आपको काफ़ी बड़ा साइज़ मिल रहा है। एक दोस्तों दरवाज़ा इधर से मिल रहा है आपको अंदर जाने के लिए, और एक एंट्री आपको दोस्तों ये मिल रही है। पूरा यहाँ से एक बार लुक दिखा दीजिए, पूरी स्टील वाली रेलिंग लगी हुई है, ग्रेनाइट का इसमें वर्क किया गया है, पूरी POP की डिज़ाइन इसमें, फॉग लाइट लगी हुई है। तो दोस्तों, हम लोग इस तरफ से अंदर चलते हैं। एक दरवाज़ा ये लगा मिल रहा है आपको। ये है दोस्तों इसका ड्राइंग रूम। टाइल्स देख लीजिए, वाइट कलर के 2x2 के इसमें टाइल्स लगे हुए हैं। छत देख लीजिए, काफ़ी खूबसूरत फॉर सीलिंग आपको इसमें दिखाई दे रही होगी। एक बार हम थोड़ी सी इसमें मटेरियल की बात कर लेते हैं कि क्या क्या इसमें यूज़ किया गया है। मटेरियल वाइज तो जो है, मैं यही कहना चाहूँगा कि मैंने अपनी तरफ से बेस्ट, जैसे आदमी अपना खुद का मकान बनाता है उस तरह से मैंने उसको बना के दिया है। और मैं जो भी मकान बनाता हूँ वो इसी तरह का बनाता हूँ, क्योंकि किसी की मेहनत की कमाई लग रही है तो इस तरह का नहीं काम करना चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा गलत हो। तो मटेरियल वाइज आप किसी से भी चेक करा सकते हैं, दिखवा सकते हैं, कहीं कोई इफ बट नहीं है। चाहे वो इलेक्ट्रिकल वर्क हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन वर्क हो, चाहे वो जो है कहते हैं सैनिटरी का वर्क हो, कोई भी काम हो, सब नंबर वन का मैंने किया है इसमें, पेंट से लेके सब कुछ। तो दोस्तों, आपको पता चलता है, एक बार ड्राइंग रूम में आप पूरा देख लीजिए, सही से बिल्कुल दिखा दीजिए, काफ़ी अच्छे लुक इसका दिखाई दे रहा है। दोस्तों, 750 स्क्वायर फीट में 2 BHK मकान आपको मिल रहा है। इसमें आपको डाइनिंग एरिया भी मिल रहा है, एक आपको पोर्च मिल रहा है, 2 बेडरूम मिल रहे हैं। ये देखिए, ये एक डोर आपको मिल रहा है, इसको भी रूम बना सकते हैं। हाँ, इसको भी आप बंद कर लेंगे तो वो भी आपका रूम बन जाएगा। ये डोर दोस्तों जो है, ये वाला डोर है, ये हमारा पोर्च से इस साइड की तरफ खुलता है। तो दोस्तों, इधर से अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा इसका किचन।
किचन देख लीजिए दोस्तों। किचन आप जैसे कि अभी देख रहे होंगे मॉड्यूलर किचन नहीं, सिंपल बना हुआ है। अगर आप कहेंगे दोस्तों आपकी डिमांड होगी तो इसको मॉड्यूलर किचन बना दिया जाएगा, आपको मॉड्यूलर किचन बना के ये दिया जाएगा। एक बार पूरी लॉबी दिखा दीजिए, पूरी फॉर्सीलिंग और सीलिंग ऊपर की काफ़ी अच्छा इसमें वर्क किया गया है दोस्तों। 2 BHK मकान जानकीपुरम में आपको मिल रहा है। तो इसमें जैसे हम टोटी की बात कर लेते हो, आपने टोटी कौन सी लगाई है? इसमें जो है प्लम्बर के टोटल फिटिंग प्लम्बर की लगी हुई है, जितने भी जो है क्या कहते हैं टैप्स हैं और जितने भी जो ये सारे जो है क्या कहते हैं सैनिटरी फिटिंग्स है, सब प्लम्बर की लगी हैं और बहुत ही अच्छी क्वालिटी है प्लम्बर की। बाकी आप विजिट करिए, देखिए, आप खुद उसको समझ जाएंगे, पहचान जाएंगे। तो आइए दोस्तों, पहले हम इसका चाइल्ड रूम दिखा देते हैं आपको। एक आपको ये बेडरूम दिया गया है छोटा, जो भी आपका कोई बच्चा हो, पढ़ाई करता हो, या बच्चे के लिए रूम ये आपको ये दिया गया है। इसका साइज़ देख लीजिए। छत पे इस पर भी आपको POP की डिज़ाइन दी गई है। फुल दो दूर रेडी टू मूव मकान है, तुरंत लेके आप इसमें शिफ्ट हो सकते हैं। अब हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं इसका मास्टर बेडरूम। दोस्तों इस बेडरूम के बगल, जस्ट बगल में आपको मिल जा रहा है इसका मास्टर बेडरूम। ये है दोस्तों मास्टर बेडरूम, देख लीजिए, फुल रेडी टू मूव मकान है ये। इसकी फॉर सेलिंग ऊपर जो POP बनी हुई है, देख लीजिए दोस्तों, बिल्कुल कंप्लीट मकान मिल रहा है। साइज़ इसका भी आपको अच्छा खासी मिल रहा है, कम से कम 12x10 का तो साइज़ ये है ही है। यहाँ पे मिल रहा है दोस्तों आपको एक OTS एरिया, प्रॉपर आपको यहाँ पे वेंटिलेशन मिलती रहेगी। छत पे आपको एक जाल दिया गया है। ये है दोस्तों इसका टॉयलेट, ये टॉयलेट आप एक बार देख लीजिए, कमोट वाली सीट इसमें लगी है, शावर आवर सब लगे, बिल्कुल कंप्लीट मकान है दोस्तों ये। यहाँ भी जाली का पल्ला दिया हुआ है। हाँ, यहाँ भी दोस्तों टॉयलेट में भी आपको एक जाली का पल्ला दिया हुआ है। किसी तरह की दोस्तों आपको इस घर अगर आप लेंगे, हाँ, वेंटिलेशन प्रॉपर मिलता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अब हम दोस्तों ऊपर चलते हैं। एक टॉयलेट दोस्तों आपको ये दिया गया है, देख लीजिए, कॉमन टॉयलेट है, काफ़ी बड़ा साइज़ इसका भी दिया गया है। यहाँ पे आपको एक वॉच बेसिन मिल जाता है, ऊपर देख लीजिए एक जाल लगा हुआ है वेंटिलेशन के लिए। अब हम ऊपर से चल के आपको एक बार दिखाते हैं। ये दोस्तों हम इधर से निकलेंगे, हम जाएंगे ऊपर जीने पे, देख लीजिए दोस्तों आपको ग्रेनाइट का वर्क है इस पर, स्टील वाली रेलिंग इसमें लगी हुई है। यहाँ से पूरी ऊपर का पूरा दिखा दीजिए, काफ़ी बड़ा काफ़ी खुला ये एरिया दिखाई दे रहा है। ममटी का साइज़ आपको काफ़ी बड़ा मिल रहा है, कोई भी सामान आप यहाँ पे रख सकते हैं, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ये हम लोग आ गए ऊपर, यहाँ से एक बार आप इसका फ्रंट देख लीजिए, फिर हम आपको इसका बैक दिखाएंगे। ये दोस्तों इसका फ्रंट है, चारों तरफ आपको मकानी मकान दिख रहे होंगे। अगर आप लेंगे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत तेज़ी से दोस्तों ये एरिया डेवलप भी हो रहा है। यहाँ पे देखिए फ्लैट बनाए जा रहे हैं, फ्रंट रोड आपको मिल जाएगी 25 फीट की। अब हम आपको बैक से दिखाते हैं। बैक से हम एक बार पूरा एरिया आपको दिखा दें दोस्तों। पूरा मकान दोस्तों पिलर पर बना हुआ है, ये देख लीजिए, पिलर यहाँ पर बना हुआ है। मजबूती का पूरा ख्याल रखते हुए आजकल जो मकान है दोस्तों बनाए जाते हैं। ये इसका बैग एरिया, चारों तरफ देख लीजिए, ये रॉ हाउसेस बन रहे हैं लाइन से। बहुत तेज़ी से दोस्तों ये एरिया डेवलप हो रहा है। तो हम इसके रेट की बात एक बार कर लेते हैं, कितने रेट आपने बताए थे इसके? ये 32 लाख। तो दोस्तों 750 स्क्वायर फीट में बना हुआ जानकीपुरम स्ट्रक्चर में ये मकान आपको मिल जाएगा 32 लाख रुपये का। और अगर आप लेना चाहते हैं तो नीचे नंबर दिया गया, दिए नंबर पर कॉल करके साइट विजिट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।